यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज में कई सारे पार्टिसिपेंट्स पर किए गए एक रिसर्च में पता चला हेल्दी लाइफस्टाइल धीरे धीरे किसी इंसान के स्किन कलर को इम्प्रूव करके उसके स्किन को ग्लोइंग स्किन बना सकता है। इस रिसर्च में पता चला अवॉइडिंग स्ट्रेस, स्लीपिंग लॉन्गर और कई सारे ऐसे हेल्दी हैबिट्स हैं जिसको अपना कर हम अपने चेहरे को गोरा और चमकदार बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर प्रॉपर रिसर्च के साथ बात करेंगे कि कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जिसको अपनाकर एक इंसान अपने स्किन को काफी ग्लोइंग बना सकता है, काफी गोरा और चमकदार बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हम काफी रिसर्च वीडियोस बना रहे हैं जिसको बनाने में काफी मेहनत लगती है एंड आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर सकता है। ऑलमोस्ट 70% लोग जो हमें देख रहे हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार थोड़ा सा टाइम लगता है, सब्सक्राइब जरूर से कर लो। इस वीडियो के 4 चैप्टर्स हैं, एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे चीजों को। चैप्टर 1, इवोल्यूशन ऑफ डार्क एंड व्हाइट स्किन। मैं आपको बता दूं, आज से 70,000 से 1,00,000 साल पहले जो होमो सेपियंस थे, जो ह्यूमंस थे, सारे डार्क स्किन के हुआ करते थे, क्योंकि वो सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से थे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब उनमें से ही कुछ ह्यूमंस एकदम हॉट सनलाइट वाले एरिया को छोड़कर नॉर्थ में कोल्डर एरिया में चले गए। शायद उनकी गर्लफ्रेंड्स ने कहा होगा, यार बाबू यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और यहाँ पर एसी भी नहीं है, इसलिए चले गए होंगे। अब वो उनके राज की बातें हैं, जो भी हो, तो वो लोग जहाँ पर गए वहाँ पर लेस सनलाइट थी, एकदम कोल्डर एरिया था, वहाँ उनकी स्किन डार्क से व्हाइट होने लगी, क्योंकि डार्क स्किन वाले लोग लेस एफिशिएंट होते हैं विटामिन डी प्रोड्यूस करने में। लेकिन विटामिन डी हेल्थ और बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और व्हाइट स्किन इजीली विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए कोल्डर एरिया में जाकर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो एडजस्ट करने लगे और उनका स्किन डार्क से व्हाइट होने लगा। और इस तरह इस दुनिया में दो तरह के स्किन वाले लोग हो गए। ये तो हो गई पुरानी बातें, लेकिन आज के टाइम में कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिसाइड होता है कि किस इंसान का स्किन डार्क होगा या व्हाइट होगा। चैप्टर 2, व्हाट मेक्स पीपल डार्क एंड व्हाइट। सबसे पहला फैक्टर जिससे हमारा स्किन कलर डिसाइड होता है वो है जीन्स। हमारे जीन्स का इंस्ट्रक्शन ही डिसाइड करता है कि हमारे आईज, हेयर और स्किन का कलर कौन सा होगा। तो इन महान भाव के सामने हम आप बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेकेंड फैक्टर है सन एक्सपोजर। आपकी स्किन कैसी होगी ये ज्योग्राफिक लोकेशन और सन एक्सपोजर पर भी डिपेंड करता है। जैसे जिन लोकेशन पर हायर अमाउंट ऑफ यूवी रेज प्रेजेंट होता है वहाँ के लोग डार्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजर टू इक्वेटर लोकेटेड प्लेसेस, जनरली वहाँ के लोग डार्क स्किन के होते हैं। सन एक्सपोजर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे स्किन पे, इसलिए आप देखते होंगे गर्मियों में लड़के एकदम चौड़े होके निकलते हैं, लेकिन लड़कियाँ खुद को इस तरह से कवर करके जाती हैं कि सूरज की एक किरण भी उनके बॉडी को टच ना कर सके। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमारे हेयर, स्किन और आईज के कलर को डिसाइड करती है। ये स्किन के बॉटम लेयर में प्रोड्यूस होती है। जिस इंसान का स्किन ज्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रोड्यूस करता है वो डार्कर होता है, और जिस इंसान की स्किन लेस मेलानिन प्रोड्यूस करती है उसकी स्किन ब्राइटर होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारी स्किन कलर डिसाइड होती है। कॉजेस जान लिया हमने, अब चलते हैं चैप्टर 3, हाउ टू गेट ग्लोइंग स्किन। टिप 1, फेशियल आइसिंग। मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप आइस को 1 से 2 मिनट तक अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो इससे आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। ये आपके स्किन के ग्लो को एनहांस करेगा, सनबर्न्स को हील करेगा एंड डार्क सर्कल्स को हटाएगा। गाइस, चूंकि आइस जो होता है ना वो ठंडा होता है, आइस ठंडा होता है, क्या फैक्ट बोला मैंने। ऑडियंस भी लाइक, शाबाश, हमें तो पता ही नहीं था कि आइस ठंडा होता है, हम तो इसे गर्म समझते थे। तो जब आप ठंडे आइस को स्किन पर अप्लाई करते हो तो स्किन के सरफेस लेवल पर वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके स्किन में बढ़ जाता है और ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जो कि टॉक्सिन्स को दूर करते हुए आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। टिप 2, ईटिंग डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में होता है फ्लेवोनोल्स, जो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और इसे आपके स्किन पर लाइट, एक चमक लाने के लिए एक नेचुरल एजेंट माना जाता है। उसके अलावा डार्क चॉकलेट आपके बॉडी में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को खत्म करता है, जो कि सबसे ज्यादा आपके स्किन के ग्लो को डैमेज करता है। एक स्टडी किया गया जिसमें देखा गया वो लोग जो 85% डार्क चॉकलेट रेगुलर खाते थे उनका मूड हमेशा इम्प्रूव्ड देखा गया, हमेशा अच्छा देखा गया, एज कंपैरिजन टू दोज जो कि चॉकलेट नहीं खाते थे या फिर कोई और चॉकलेट खाते थे। जैसे ही आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे, स्ट्रेस कम होने की वजह से आप फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग स्किन पाओगे। गाइज, मेक श्योर अगर आप डार्क चॉकलेट बाय करना तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि
डार्क चॉकलेट में 50-90% कोको होता है। कुछ ऐसे फेक डार्क चॉकलेट है मार्केट में जिसमें हाई लेवल ऑफ रिफाइंड सुगर ऐड कर दिया जाता है। जिस डार्क चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स में एटलीस्ट 70% कोको हो उसी डार्क चॉकलेट को आपको बाय करना है। आपका भाई होने के नाते आपके स्किन के साथ साथ आपके सेहत का भी ख्याल मुझे ही तो रखना पड़ता है। टिप नंबर 3, एलोवेरा जेल एंड टर्मरिक फेस पैक। टर्मरिक में कर्क्यूमिन पाया जाता है जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ये स्टडी प्रूव करती है। और एलोवेरा में भी एलोसिन होता है जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ये सेकेंड स्टडी बताती है। और अगर आप इन दोनों को मिक्स करके एज अ फेस पैक यूज करोगे तो ये आपके स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर देगा। और डेफिनेटली जब लेस अमाउंट में मेलानिन प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और छोटे चम्मच से 2-3 चम्मच टर्मरिक लेना है और एक थिक पेस्ट बनाना है। उस थिक पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई करना है, उसको थोड़ी देर छोड़ देना है एंड उसको सूख जाने देना है। सूखने के बाद उसको ठंडे वाटर से वॉश कर लेना है। ये आपको वीक में 2-3 बार करना है। ये आपके स्किन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन को कम करेगा एंड डेफिनेटली उससे ग्लो आपके चेहरे पर आएगा, क्योंकि लेस मेलानिन प्रोडक्शन के चलते ही आपके चेहरे पर ग्लो आता है। पॉइंट नंबर 4, गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। रिसर्चर्स ने करीब 59 स्पोर्ट्स क्लब मेंबर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। पता चला वो लोग जो फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, फिटनेस में हाई है, उनका स्किन ज्यादा ब्राइट है बाकियों के मुकाबले। तो रेगुलर एक्सरसाइज भी आपके चेहरे पर ग्लो लाती है। आई नो हम लोग आलसी कैटेगरी में आते हैं, कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया फॉर्मेलिटी। वही एक अनदर रिसर्च कहता है कि प्लांट बेस्ड फूड्स आपके स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देते हैं। प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड लेग्यूम्स लाइक पंपकिन, ऑरेंजेस, एवोकाडोस, एलमंड्स और कई सारे ऐसे फूड्स हैं जिसको खाने से आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करने लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे फूड्स जिनमें ये 6 विटामिन हो, ऐसे फूड्स को खाओ। वो 6 विटामिन है विटामिन सी, ए, डी, ई, कोलेजन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये 6 जो विटामिन हैं, इनसे रिच फूड्स अगर आप खाते हो तो ये आपके स्किन पर बहुत ज्यादा ग्लो लेकर आएंगे। पॉइंट नंबर 5, गेट एनफ स्लीप। फ्रांसिस्को फुस्को जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजी प्रोफेसर हैं, वो कहती हैं, आवर स्किन रेस्ट्स एंड रिपेयर्स इटसेल्फ व्हाइल वी स्लीप। बेसिकली जब हम एनफ स्लीप लेते हैं तो हमारा कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होता है, लेकिन अगर अच्छी नींद नहीं ली तो आपका कोर्टिसोल लेवल जो होता है वैसे के वैसे ही रह जाता है, जो कि आपके स्किन क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। पुअर स्लीप की वजह से आपके स्किन पर पिंपल्स, रिंकल्स या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज होने लगता है। डॉक्टर चित्रा कहती हैं कि जब हम सोते हैं तो लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी खुद को रिचार्ज करती है, रीएनर्जाइज करती है एंड डिटॉक्सिफाई करती है। स्किन सेल्स जब रिचार्ज होती है, डिटॉक्सिफाई होती है, तब वो हेल्दियर और ब्राइटर होने लगती है। तो 7-9 आवर्स का स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी और आपके स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। हाउएवर स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो डॉक्टर चित्रा कहती हैं कि आपको अर्ली नाइट में ही सो जाना चाहिए, जल्दी ही नाइट में सो जाना चाहिए। वैसे गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कितना घंटे सोती हो रात को। एक्स्ट्रा जो एक 6 नंबर टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे ओपिनियन के हिसाब से, वो है नूफैब। स्टार्ट योर नूफैब जर्नी, क्योंकि नूफैब जो आप करती हो आपके स्किन पर काफी ग्लो आने लगता है, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। लगभग 30 डेज के बाद स्किन पर ग्लो आने लगता है, आपका चेहरा काफी ज्यादा चमकदार, काफी ज्यादा ग्लोइंग होने लगता है जब आप नूफैब करती हो। वेल हमने जो बुक बनाया है नूफैब विद एक्स्ट्रा पावर, उसको जिन लोगों ने खरीदा है उनमें से कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है नोफैब करने से। ये बुक कंप्लीट एक गाइड है, हमने एक गाइड बनाया है प्रॉपर कि कैसे आप नोफैब लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो एंड एडिक्शन को बीट कर सकते हो। चैप्टर 4, डज स्किन कलर रियली मैटर। दोस्तों एक चीज याद रखो, आपके स्किन का कलर कोई भी हो, डजंट मैटर, आप जो हो बेस्ट हो, आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। हर कोई जन्म से खूबसूरत और टैलेंटेड है इस दुनिया में, कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं अपने कर्म के हिसाब से। ग्लोइंग स्किन पाना अच्छी बात है, हम लोग भी वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिन लोगों की पर्सनल चॉइस है वो अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, वो कहीं मिसगाइड ना हो सके, हम उनको सही रास्ता दिखा सके कैसे आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। क्योंकि लोग ग्लोइंग स्किन के लिए ऑब्सेस्ड हैं, उनको लोग बोल देते हैं कि ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो और वो लगाने लग जाते हैं, इससे उनकी स्किन भी डैमेज हो जाती है। लेकिन कलर मैटर नहीं करता, मेरा मानना है इस दुनिया में हर इंसान जो आया है वो काफी यूनिक है एंड वो अपने कर्मों के हिसाब से खुद को बेहतर बना सकता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, हम काफी रिसर्च कंटेंट बनाते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ऐसे रिसर्च कंटेंट देखने के लिए एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग गाइज, लव यू।